हेलो फीचर डॉक्टर्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओबीसी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन केस हियरिंग रिजल्ट, मतलब जो हमारे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पे केस लगा, रिजर्वेशन में केस लगा हुआ था उसकी हियरिंग में क्या डिसीजन लिया गया। और सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे नीट 2021 काउंसलिंग, ये कब से स्टार्ट हो सकती है या इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी। देखो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की जो हियरिंग है वो 5 जनवरी को भी हुआ और 6 जनवरी को भी हुआ, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। जस्टिस ये कह के चले गए ऑर्डर रिजर्व्ड। अब देखो भाई, आप लोगों को इसका मतलब क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि आपको नीट एग्जाम की तैयारी के साथ साथ, या हम लोगों को भी आपको पढ़ाते हैं उसके साथ में लाके भी तैयारी हो रही है, क्योंकि हर बार जस्टिस कुछ ना कुछ नया वर्ड लेके आ जाते हैं। अब ऑर्डर रिजर्व्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब फर्दर कुछ भी हियरिंग नहीं होगा, मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट्स या जिस भी दोनों साइड से जो भी देने थे वो सब कुछ हो चुके हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जज अपने साथ लेके चले गए हैं, इसके ऊपर वो कंसल्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, इनको दोबारा से पढ़ेंगे, हो सकता है उनको कुछ मतलब जो भी डिसीजन लेना है एक बार फिर से वो इनको अपने साथ मतलब अपने जो साथ में दूसरे जस्टिस हैं हो सकता है उनके साथ कंसल्ट करें, या कुछ और जो भी डिसीजन लेना हो वो अब इसी के बेस पर लेंगे। मतलब अब जो वो बकवास चल रही थी ना सुप्रीम कोर्ट में, कभी वो वाले ये बोल रहे हैं कि अभी ये हमारे सॉलिसिटर जनरल ये बोल रहे हैं, फिर एडवोकेट आके ये बोल रहे हैं, वो बकवास आपको नहीं सुनना। आर्ग्यूमेंट जो था देने थे, जिसको जो देने थे वो सब कुछ हो गए, अब फाइनल हाथ मतलब जो फाइनल डिसीजन है वो जज के हाथ में है, वो जो भी लेना चाहेंगे या जो भी जैसे रिजर्वेशन को अप्लीकेबल करना है या नहीं करना है, या रिजर्वेशन को नेक्स्ट ईयर से अप्लीकेबल करना है, वो डिसीजन देखना कब आता है। वो हो सकता है कल भी आ सकता है या फिर मंडे को आएगा, हो सकता है इससे भी डिले हो जाए, वो हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जज लोगों की बातों को देखकर, जैसे मैं भी हियरिंग देख रहा था तो उसमें सुन रहा था, उसमें देखा था कि जज ऐसे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि काउंसलिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो, क्योंकि जहाँ पे कुछ एडवोकेट्स ने ये बोला कि हमारे देश में अभी डॉक्टर्स की काफ़ी कमी लग रही है, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर का जो बेंच है या जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अभी एडमिशन नहीं लिए हैं, सेकंड क्या है जो लास्ट ईयर के थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी पास आउट होने वाले हैं, अराउंड 2-3 मंथ बचे हैं, बट कोरोना के केसेज जैसे ओमिक्रॉन आ रहा है तो केसेज बढ़ते जा रहे हैं। तो जजेज इस फेवर में है कि जल्दी से काउंसलिंग हो, बच्चे एडमिशन लें और जल्दी से अपनी ड्यूटी वो स्टार्ट कर दें, तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही डिसीजन आएगा। अब काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, काउंसलिंग में भी स्टार्ट हो जाए, नेक्स्ट वीक आ जाए, मतलब डिपेंड करेगा इस डिसीजन पर, लेकिन एमसीसी बिल्कुल रेडी है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आई थिंक नोटिफिकेशन देने में, हो सकता है 7-8 डेज का टाइम तो वो भी लेंगे, बट मेजर ये जो मतलब जो मेजर डिसीजन होगा एमसीसी का वो इस पर डिपेंड करेगा, जज क्या बताते हैं कि रिजर्वेशन इसी साल से अप्लीकेबल होगा या रिजर्वेशन नेक्स्ट ईयर से अप्लीकेबल होगा। यदि एमसीसी ने अपने डॉक्यूमेंट इस बार की रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिए होंगे और जज ये डिसीजन दे देते हैं कि नहीं इस बार रिजर्वेशन नहीं लगेगा, तो फिर इसमें टाइम लग सकता है। और यदि एमसीसी ने ऐसे प्रिपेयर किया होगा, जैसे अभी तक तो एमसीसी के माइंड में यही था कि हमें रिजर्वेशन लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये टाइम लग सकता है, ज़्यादा भी मे बी 7-8 डेज तो आप मान के ही चलो, क्यों ये मान लो ये कल डिसीजन आता है तो नेक्स्ट सैटरडे का आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, और यदि कल डिसीजन नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे तक काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है। डेट की यदि बात करें तो 15 जनवरी के अराउंड आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है। तो आप प्रिपेयर रहे अपने काउंसलिंग के जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, या फिर अपने जो कॉलेज प्रेफरेंस फिलअप फॉर्म करना है, क्योंकि इस वीडियो आपने इस चैनल पर देखा भी होगा 20 टॉप मेडिकल कॉलेज, या फिर एम्स को चूज करें या फिर अदर कॉलेज को चूज करें, आपकी रैंक यदि 1000 के अंडर है तो आप कौन से कॉलेज सेलेक्ट करें, वो वीडियो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, उन वीडियो को देख लें। और नीट काउंसलिंग से रिलेटेड और भी वीडियोज आएंगी, आपको डिटेल में बताया जाएगा कि ये प्रोसीजर है, ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, ऐसे कॉलेज प्रेफरेंस देनी है, या फिर फर्स्ट राउंड में मॉपअप राउंड में आप कैसे अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सब हम डिटेल में बात करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना, बीवाइज की ऐप डाउनलोड करनी है और एक फ्री काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर लो, जितनी भी वीडियोस होंगी वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, इसका कोई चार्ज नहीं है, आपको काउंसलिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा यदि आप इस कोर्स को फॉलो करते हैं तो। उसके लिए आप बीवाइज ऐप डाउनलोड करें, फ्री काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम है, साइन अप करें और वहाँ पे स्टोर में जाएं, वहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करके रख लो, ठीक है। इस वीडियो में आई थिंक कुछ ज़्यादा था नहीं, एक तो जजमेंट ही बताया और दूसरा काउंसलिंग डेट, यही सब हमारे दो मेन पॉइंट अभी चल रहे हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।